नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नई नवेली सांसद कंगना रनौत को नहीं आती है ड्राइविंग, 3 बार हो चुका है एक्सीडेंट। कंगना रनौत की पहचान अब हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री के रूप में नहीं रही, बल्कि देश के सांसद के रूप में उन्होंने एक नया तमगा हासिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना ने जीत का परचम लहराया है। भारी बहुमत से चुनाव जीतने को लेकर कंगना के नाम की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, उनके निजी जीवन से जुड़े किस्सों को लेकर इस वक्त खूब सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बीच हम भी आपके लिए उनसे जुड़ा रोचक तथ्य लाए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में कंगना रनौत को कार चलाना नहीं आता है। हिंदी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत को काफी जाना जाता है। अपनी बेबाक अंदाज के लिए वह काफी फेमस है। हर मुद्दे पर दो टूक बात करने से कंगना पीछे नहीं हटती हैं। शायद इसी वजह से उन्हें इंडस्ट्री की क्वीन भी कहा जाता है। कुछ साल पहले अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत अपने बारे में खुलकर बात की। दरअसल कली टेल्स को दिए इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि उन्हें ड्राइविंग आती है। इस पर कंगना ने बिना झिझके जवाब दिया और बताया, सच बताऊं तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मैंने इसे सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो उस दौरान मेरा 3 बार एक्सीडेंट भी हुआ। उसके बाद दोबारा इसे सीखने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। इस तरह से कंगना रनौत ने कार ड्राइविंग के सवाल को लेकर बिंदास अंदाज में अपनी राय रखी। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने बारे में भी चर्चा करने से भी बिल्कुल नहीं कतराती हैं। लेकिन मंडी की जनता को शायद कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने अपने नए सांसद के रूप में कंगना रनौत के नाम पर मोहर लगाई। 74,755 वोटों के अंतर से अभिनेत्री ने विक्रम आदित्य को करारी शिकस्त दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।